बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द पॉइंट नर्सिंग चैनल। आज हम बात करेंगे वीबैक के ऊपर। वीबैक क्या होता है? वीबैक इज़ वजाइनल डिलीवरी आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वजाइनल डिलीवरी क्या होती है, देन हम बात करेंगे कि सिजेरियन सेक्शन क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी में और सिजेरियन सेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, और जिन औरतों के सिजेरियन सेक्शन हुए होते हैं यानी जिन औरतों के बड़े ऑपरेशन से बच्चे होते हैं उनको नॉर्मल डिलीवरी दोबारा करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, या अगर हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के बारे में सोच रहे हैं कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जिनको हम अपनी नज़र के सामने रखते हैं, उनको देखते हैं और उसके बुनियाद पर हम फैसला करते हैं कि वाया हमें सी सेक्शन करवाना है या नॉर्मल डिलीवरी करवानी है। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, किन बातों का ख्याल रखना होता है जब आप सी सेक्शन के बाद दोबारा नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं, और आया आपकी सी सेक्शन के बाद दोबारा नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है या नहीं है। तो पहले हम बात करेंगे टू मोड ऑफ डिलीवरी के ऊपर कि कौन से दो तरीक़ों से जो है डिलीवरी हो सकती है। एक होता है वजाइनल डिलीवरी, इसको आमतौर पर कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बग़ैर ऑपरेशन के जैसे बच्चा पैदा होता है उसको वजाइनल डिलीवरी कहते हैं, जिसमें किसी किस्म के खर्च या किसी किस्म के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो वजाइनल डिलीवरी होती है। दूसरा किस्म का ऑपरेशन होता है सिजेरियन सेक्शन, या इसको आमतौर पर सी सेक्शन भी कहते हैं। सिजेरियन सेक्शन में जब आपकी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी आपकी मुमकिन नहीं होती तो उन केसेस में आपका बड़ा ऑपरेशन कर दिया जाता है, और बड़े ऑपरेशन के थ्रू पेट को ऊपर से काटा जाता है और बच्चे को बाहर निकाला जाता है, तो इसको कहते हैं सिजेरियन सेक्शन। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी वजह से, कोई भी ऐसे वजह हो जिसकी वजह से एक खातून का अगर पहले सी सेक्शन हुआ है तो क्या उसका दोबारा नॉर्मल डिलीवरी होने का कोई चांस है? अगर चांस है तो किस तरह है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसे बातें हैं जिनको देखना होता है कि आया ये औरत जो है दोबारा नॉर्मल डिलीवरी के काबिल है या नहीं है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी की हिस्ट्री के बारे में। पहले ये कहा जाता था कि जिस बंदे ने एक दफ़ा सी सेक्शन कर लिया उसका दोबारा हमेशा सी सेक्शन होगा, वो कभी नॉर्मल बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता। यानी 1916 तक यही कॉन्सेप्ट था कि वंस अ सीजेरियन ऑलवेज अ सीजेरियन, मतलब एक दफ़ा बड़ा ऑपरेशन हो गया तो हमेशा बड़ा ऑपरेशन होगा, उसके बाद कोई नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन ही नहीं है। 1970 में रेट ऑफ सीजेरियन सेक्शन जो था वो 5.5% था, यानी रेट ऑफ सीजेरियन सेक्शन इंक्रीज हो रहा था। इन 1978 ड्यू टू इंक्रीज डायग्नोसिस ऑफ डिस्टोशिया एंड कनकरेंट राइज इन मेटफॉल लेगिटेशन रेट ऑफ सी सेक्शन ड्रामेटिकली इंक्रीज। 1978 में जो है अचानक से एक ड्रामेटिकली जो है सी सेक्शन का रेट इंक्रीज हुआ, तो इसके ऊपर NIH जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है 1980 में इसके ऊपर उन्होंने काम किया और उन्होंने सोचा कि किस तरीके से हम सी सेक्शन का रेट जो है कम कर सकते हैं। तो उन्होंने इसके लिए ये हल निकाला कि जिन लोगों का सी सेक्शन हुआ है इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया जाए, जिन लोगों का पहले सी सेक्शन हुआ है उनका हमेशा सी सेक्शन होता रहेगा, ये इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज किया जाए, बल्कि इस कॉन्सेप्ट को इस तरह बदला जाए कि जिन लोगों का सी सेक्शन है उनके अंदर कुछ फैक्टर्स को देखा जाए, अगर वो उन फैक्टर्स पर पूरा उतरते हैं तो उनको एक ट्रायल दिया जाए, उनको एक चांस दिया जाए कि वो एक नॉर्मल डिलीवरी कर सके, उनको एक नॉर्मल डिलीवरी का मौका दिया जाए। अब हम बात करेंगे कि एक दफ़ा सी सेक्शन होता है तो उसके बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस फॉर अ पेशेंट विथ प्रीवियस सीजेरियन, जिनका पहले ऑपरेशन हुआ होता है तो उनके पास कौन कौन से जो हैं ऑप्शंस हैं कि वो डिलीवरी करवाएं। एक तो सीजेरियन के बाद ऑप्शन है कि दोबारा ऑपरेशन करवाएं, इन दोबारा सी सेक्शन करवाएं, जिसको कहते हैं इलेक्टिवली रिपीटेड सिजेरियन सेक्शन, जिन ERCD। एक ऑपरेशन करवाया, अपनी मर्जी से दोबारा दूसरा भी दोबारा ऑपरेशन करवाएं। लेकिन वो ख्वातीन जो चाहती हैं कि उनका एक सी सेक्शन के बाद जो किसी वजह से हुआ है, किसी मसले की वजह से, या चाहे वो मदर की कंडीशन हो या फीटस की कंडीशन हो, उसकी वजह से सेक्शन हुआ है, लेकिन अब वो चाहती हैं कि सेकेंड प्रेगनेंसी में उसका नॉर्मल डिलीवरी का कोई चांस बन, तो इसके लिए एक टर्म निकाला गया है जिसको कहते हैं ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन, यानी एक और उसको ट्रायल दिया जाए, उसको एक मौका दिया जाए सी सेक्शन के बाद, या हम इसको कहते हैं VBAC, वजाइनल डिलीवरी आफ्टर सी सेक्शन। तो वजाइनल डिलीवरी आफ्टर सी सेक्शन के भी आखिर में दो आउटकम होते हैं जिनको मौका दिया जाता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी करें। तो या तो ये
मौका जो है कामयाब हो जाता है, इसको सक्सेसफुल वीबैक कहते हैं, वेजाइनल डिलीवरी कहते हैं, या इसको फेल्ड वीबैक कहते हैं, यानी फेल्ड वेजाइनल डिलीवरी। तो जो कामयाब हो जाते हैं तो वो तो नॉर्मल डिलीवर हो जाते हैं, लेकिन जो औरतें जो हैं नाकाम हो जाती हैं सी सेक्शन के बाद दोबारा नॉर्मल बच्चा पैदा करने में, तो उनका इमरजेंसी में सी सेक्शन फिर कर दिया जाता है। विच वुमेन आर बेस्ट सुटेड टू हैव अ प्लान वी बैक, कौन सी ऐसी खवातीन हैं जिनको हम मौका दे सकते हैं दोबारा नॉर्मल डिलीवरी का। प्लान वी बैक इज़ अप्रोप्रिएट फॉर एंड मे बी ऑफर टू द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन विद अ सिंगलटन प्रेगनेंसी ऑफ सेफेलिक प्रेजेंटेशन एट 37 वीक और बियॉन्ड। उन खातिन को ऑपरेशन के बाद नॉर्मल डिलीवरी का मौका दिया जा सकता है जिनके इस प्रेगनेंसी में सिंगल फीटस हो, यानी अभी जो पेट में बच्चा है वो एक हो, ट्विन्स ना हो या ट्रिपलेट्स ना हो। इसके बाद दूसरा फैक्टर जो देखा जाता है वो ये है कि बच्चे की प्रेजेंटेशन, यानी कि बच्चे का सर नीचे की तरफ होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो देखी जाती है वो ये है कि प्रेगनेंसी जो है नॉर्मल ड्यूरेशन की हो, यानी वो 37 वीक्स या 37 वीक्स से ज़्यादा की हो, तो उनको मौका दिया जा सकता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी करें। इसके अलावा जो चीज़ देखी जा सकती है वो है प्रीवियस लोअर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन, यानी उनका पहला ऑपरेशन जो है वो पेट में नीचे की तरफ जो कट दिया जाता है उस तरीके से दिया गया हो, उस तरीके से उसकी डिलीवरी हुई हो। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं हॉरिजेंटल इंसीजन, अगर किसी वुमेन को हॉरिजेंटल इंसीजन के थ्रू सी सेक्शन किया हो, इस तरीके से उसकी डिलीवरी हुई हो, तो उसको हम मौका दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी वुमेन को वर्टिकल इंसीजन के थ्रू सी सेक्शन किया गया हो, इसके थ्रू डिलीवर किया गया हो, तो उसको मौका नहीं दे सकते वी बैक का। सेलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर वी बैक, यानी वेजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन, किस तरह सेलेक्शन की जाती है वी बैक के लिए, अब उसके हम कुछ फैक्टर्स कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। कौन सी मदर को वी बैक के लिए चूज किया जाता है, वो मदर जिसका प्रायर सी सेक्शन जो है लो ट्रांसवर्स सीजेरियन डिलीवरी हो, जिस तरह इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि इस मदर के पेट में सीजेरियन का कट जो है वो लोअर तरफ है, पेल्विस की तरफ नीचे की तरफ है, इसको ट्रांसवर्स सीजेरियन डिलीवरी कहते हैं। अगर किसी मदर का पहला सीजेरियन इस तरह है तो उसको सेकेंड नॉर्मल डिलीवरी में चांस दिया जा सकता है, और अगर खुदा ना ख्वास्ता जो पहले डिलीवरी है वो किसी फीटस की किसी कंडीशन की वजह से हुई है, लेकिन मदर का जो पेल्विस बोन है यानी उसकी जो हड्डी है वो तंग ना हो, वो बिल्कुल नॉर्मल हो, तो उसको मौका दिया जा सकता है दोबारा नॉर्मल डिलीवरी की तरफ। नो अदर यूटेराइन स्कार और प्रीवियस रप्चर, पहले जो सिसेक्शन हुआ है या पहले जो डिलीवरी हुई है उसमें मदर की कोई हिस्ट्री ना रही हो कि जिसमें उसका यूट्रस रप्चर हुआ हो या उसके यूट्रस का जो स्कार है वो अभी भी ताज़ा हो। फिजिशियन इमीडिएटली अवेलेबल थ्रू आउट एक्टिव लेबर कैपेबल ऑफ मॉनिटरिंग लेबर परफॉर्मिंग एन इमरजेंसी डिलीवरी, और उन सेटिंग में जो है वी बैक का ऑप्शन दिया जाता है जहाँ पर सीनियर डॉक्टर डिलीवरी के टाइम मौजूद हो और किसी भी खुदा ना ख्वास्ता नागहानी सूरत की तौर पर मदर को फौरन ओटी की तरफ शिफ्ट किया जाए। अगर खुदा ना ख्वास्ता वी बैक नाकाम होता है तो इमरजेंसी की सहूलत मौजूद हो तो उन मदर्स को या उन हॉस्पिटल में वी बैक का चांसेस दिया जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ एनेस्थीजिया एंड पर्सनल फॉर इमरजेंसी डिलीवरी, एनेस्थीजिया का बंदा मौजूद होना चाहिए और जिस बंदे ने डिलीवरी करवानी है, सीजेरियन करवाना है, इमरजेंसी सी सेक्शन करवाना है, वो बंदा हॉस्पिटल में मौजूद होगा तब ही वी बैक का चांस दिया जा सकता है। ऐसे कौन से चांसेस हैं या ऐसे कौन सी मदर्स हैं जिनमें कम्प्लीटली वी बैक का चांस नहीं दिया जाता, जिनको मुकम्मल तौर पर मना कर दिया जाता है कि आपको सीजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी की परमिशन नहीं है, यानी कि आपको फिर ख़तरा होगा। ऐसी मदर जिनका पहले बच्चे में यूट्रस रप्चर हुआ हो, यानी बच्चेदानी पट गई हो, प्रीवियस हाई वर्टिकल क्लासिकल टी शेप सीजेरियन सेक्शन जो है प्रीवियस सी सेक्शन टी शेप हो, यानी सीजेरियन डिलीवरी जो है टी शेप कट की तौर पर की गई हो, और जिन मदर्स की पहले 3 या उससे ज़्यादा डिलीवरी हुई हो, उन मदर्स को भी हम वी बैक का चांस नहीं दे सकते जिनकी पेल्विस हड्डी तंग हो या जिसको सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो या कोई और मेडिकल कंडीशन हो, यानी हाई ब्लड प्रेशर हो या बहुत शुगर बहुत हाई हो
जिसकी वजह से अगर नॉर्मल डिलीवरी का चांस दिया जाए तो डिलीवरी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। माल प्रेजेंटेशन या जो है बेबी की पोजीशन ठीक ना हो, यानी सर बेबी का जो नॉर्मल पोजीशन में नीचे रहता है तो नॉर्मल पोजीशन बेबी की ना हो, या पहली मदर की हिस्ट्री यही हो कि डिलीवरी के बाद उससे बहुत ज़्यादा खून बह गया हो, या उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से उसको झटके लगे हों यानी एक्लेम्शिया हुआ हो, या उसके प्लेसेंटा में कोई एबनॉर्मेलिटी हो, तो उनको वीबैक का चांस नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा जो कुछ मेडिकल कंडीशन है, यानी बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो, कुछ दिल का मसला हो, या गुर्दों का पे कोई मसला हो, गुर्दों का कोई इफेक्ट हुआ हो, सीना ख़राब हो, आस्थमा हुआ हो, या सीजर यानी झटके वगैरह मदर को आते रहते हैं, तो उन मदर को सीजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी का चांस नहीं दिया जाता है। ये कंप्लीट कॉन्ट्राइंडिकेशन है वीबैक के लिए। इनएबिलिटी टू परफॉर्म इमरजेंसी सीजेरियन ड्यू टू इनसफिशेंट स्टाफिंग और फैसिलिटी, या ऐसी फैसिलिटी में आप मौजूद हों, ऐसे हॉस्पिटल में आप मौजूद हों जहाँ पर इमरजेंसी में सेक्शन पॉसिबल ना हो, खुदा ना खास्ता आपका वीबैक फेल हो जाए, तो आपके पास इमरजेंसी सेक्शन का ऑप्शन मौजूद होना चाहिए। लेकिन जिस हॉस्पिटल में सी सेक्शन इमरजेंसी सी सेक्शन का ऑप्शन मौजूद ना हो, तो उन एरियाज़ में वीबैक नहीं करवाते। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वीबैक को अफेक्ट करते हैं? इसमें पहले आता है टाइप ऑफ प्रायर यूट्राइन इंसिजन, जिसके बारे में हमने पहले बात की कि आपका पहला सी सेक्शन जो है उसका पहला कट जो है वो किस तरीके से दिया गया है। अगर वो टी शेप में दिया गया है, अगर वो वर्टिकल सी सेक्शन दिया गया है, इसमें आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपको ट्रांसवर्स इंसिजन दी गई है, तो उसमें आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं। सेकेंड है, अगर आपका पहले यूट्राइन रप्चर का केस है, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी का चांस नहीं दिया जाएगा। इंडिकेशन फॉर प्राइवेट सीजेरियन डिलीवरी, यानी पहला ऑपरेशन आपका किस वजह से हुआ है? खुदा ना खास्ता वो आपकी हड्डी तंग थी, उसकी वजह से तो नहीं हुआ। यानी अगर पहले ऑपरेशन इस वजह से हुआ है कि आपकी हड्डी तंग थी, तो दूसरे ऑपरेशन में या दूसरे बच्चे के टाइम में आपकी हड्डी फुल तो नहीं गई है ना, वही हड्डी है, वही साइज है, तो मतलब दोबारा भी आपकी वही कंडीशन है, उसी तंग हड्डी की वजह से आपके दोबारा भी सी सेक्शन होगा, यानी आपको दोबारा भी चांस नहीं दिया जाएगा। क्लोजर ऑफ प्रायर इंसिजन, जो पहला कट दिया गया था पहले ऑपरेशन के दौरान जो ज़ख़म था, क्या वो पहले ऑपरेशन का ज़ख़म अभी तक भर चुका है, मुकम्मल तरीके से वो भर चुका है, तो उसकी बुनियाद पर भी वीबैक के बारे में सोचा जाता है। इसके बाद आता है कि फर्स्ट जो आपकी सी सेक्शन हुआ है और अभी जो आपकी प्रेगनेंसी है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, यानी कितने मंथ्स का डिफरेंस है या कितने ईयर्स का डिफरेंस है। देन आता है फीटल साइज़, कि आपके बच्चे की सेहत किस तरह है, यानी उसका वज़न कितना है, कि आपका बच्चे की साइज़ बहुत बड़ा है तो हो सकता है कि वो आपकी वीबैक में कोई प्रॉब्लम करे, वो आप नॉर्मल डिलीवरी ना कर पाएँ, तो उसके ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। नंबर ऑफ़ प्रायर सीजेरियन इंसेशंस, आपके पहले कितने ऑपरेशन हुए हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। और जैसे मैंने पहले बात की कि आपके फीटस की पोजिशन क्या है, वो भी बहुत मैटर करता है। इंटर डिलीवरी इंटरवल, यानी कि आपके दो प्रेगनेंसी के दौरान कितना गैप जो है ज़रूरी है। हैविंग एटलीस्ट 24 मंथ्स बिटवीन द डेट ऑफ द लास्ट सीजेरियन बर्थ एंड ड्यू डेट फॉर दिस प्रेगनेंसी इंक्रीजेज द चांस ऑफ सक्सेसफुल वीबैक एंड डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ यूटेराइन रप्चर। आपके दो सीजेरियन के बीच में या दो प्रेगनेंसी के बीच में आपके जब पहला सी सेक्शन हुआ है और इस बच्चे की तारीख पैदाइश तक, इसमें अगर कम अज़ कम 24 महीने का फ़र्क है, तो ये वीबैक के लिए एक्सेप्टेबल है, यानी इसमें वीबैक का चांस दिया जा सकता है। यानी कम अज़ कम 24 मंथ्स जो है वो रप्चर के चांस को डिक्रीज करता है। इसमें आपकी जो है प्रीवियस वुंड की हीलिंग हो चुकी होती है, तो आपको सेकेंड नॉर्मल डिलीवरी के लिए मौका दिया जा सकता है। टिप एंड एसोसिएट के मुताबिक इंटरवल 18 मंथ्स और लेस वर एसोसिएटेड विद थ्रेशोल्ड इंक्रीज रिस्क ऑफ सिम्टोमेटिक रप्चर ड्यूरिंग अ सब्सिक्वेंट ट्रायल ऑफ लेबर कम्पेयर टू इंटरवल्स ग्रेटर देन 18 मंथ्स। अच्छा, इन्होंने एक स्टडी की है जिन मदर में दो ऑपरेशन के दरमियान में या एक सीजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी के दरमियान में 18 मंथ्स का गैप है, कम अज़ कम 18 मंथ का गैप है या उससे ज़्यादा गैप है, तो उनमें जो है रप्चर के चांसेस कम है, और जिन मदर्स में 18 मंथ से कम गैप है तो उनमें रप्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। हमने बात की कि नॉर्मल डिलीवरी क्या होता है और सी सेक्शन क्या होता है, और कौन सी मदर्स ऐसे हैं जिनको वीबैक के चांस दिया जा सकता है,
कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वीबैक के लिए हम देखते हैं, कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं या कौन से इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं जिसको हम प्रायरली देखते हैं कि इस मदर को या इस वुमेन को जो है वीबैक का चांस देना है या नहीं देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए टू द पॉइंट नर्सिंग चैनल को। अगर इस तरह के मज़ीद टॉपिक्स आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। थैंक यू।